सुधांशु त्रिवेदी और INDI अलायंस के बीच हुई दिलचस्प बहस में आपका स्वागत है। इस तीखी नोकझोंक का केंद्र बिंदु था सनातन धर्म। विचारों के टकराव में सुधांशु त्रिवेदी विपक्षी प्रवक्ता पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं। यदि आपको ऐसे डिबेट शो पसंद हैं, तो हमें कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। देखिए गुलाम साहब किसके गुलाम हैं, मैं उस विषय पर नहीं जाना, उनकी अपनी राय है। लेकिन ये कड़वा सच है जिसको हम दिल से स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं कि हमारे पूर्वज ठाकुर जसवंत सिंह थे जिन्होंने अपनी मर्जी से घर वापसी की। क्योंकि हमारा ये धार्मिक बिलीफ है कि दुनिया में जो कोई पैदा होता है मुसलमान पैदा होता है, और आदम अलैहि सलाम जो उसको उनको सब मानते हैं वो भारत में आए, तो पूरी दुनिया जो है वो भारत से शुरू हुई है। आपको बताऊं, बेनजीर भुट्टो की जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी आज से 25-30 साल पहले, डॉटर ऑफ द ईस्ट, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पूर्वज राजस्थान के राठौड़ से। बहुत सारी बातें ऐसी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो अपनी सियासत की दुकान, नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान वाली, मतलब दुकानदारी तो है ना, उनकी दुकानदारी चलती रहे इसलिए वो भारत से अलग आइडेंटिटी भारत के भिन्न भिन्न मजहब के लोगों की बनाकर रखना चाहते हैं, ये एक समस्या है। जबकि मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हिंदू धर्म की वास्तविकता और श्रेष्ठता साबित हो रही है, जैसे राम मंदिर की हकीकत रडार मैपिंग से आई, आज सर्वे के ऊपर काशी विश्वनाथ पे रोक इसीलिए लगाने की बात कही जा रही है, सरस्वती नदी नासा की पिक्चर से दिखी थी, राम सेतु उससे दिखा था, वैसे ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग की बात आपने कोरोना वैक्सीन के समय बहुत सुनी होगी। इवन अमेरिका ने घोषणा की है कि ऑलमोस्ट ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई है। जिस दिन ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हो जाएगी, एक दौर ऐसा आएगा कि जैसे आज आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है, 15-20 साल बाद डॉक्टर कहेगा अपना जेनेटिक मैप लाओ, और जब जेनेटिक मैप लाएंगे तो तय हो जाएगा कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का कोई जेनेटिक कनेक्शन भारत से बाहर नहीं। भाई एक और बात आपको बात बताता हूं, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि मुगल की शुरुआत बाबर से होती है जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती से कहता हूं सब अपना डीएनए टेस्ट करा लें, किसी का मंगोल और उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला, सब भारतीय हैं, भारत माता की संतान है। परंतु अफसोस, पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी उन्होंने एक बात कही थी ना, जय सिया राम जय श्री राम, ये बहुत लोग बोलते हैं। अरे जय श्री राम का नारा कब था? जब राम मंदिर राम लला के लिए था। भाई अभी तो राम लला थे, बालक राम थे, सिया राम तो तब आएंगे जब युवा होकर विवाह होगा। तो जब तक राम लला है तो जय श्री राम ही होगा, और जिस दिन राजा राम बनेंगे तो जय सिया राम होगा। और एक लाइन और कह दूं आपसे, अभी आपने एक लाइन बोली ना, जहां राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है। मुझे याद है राम मंदिर आंदोलन के समय वह पंक्ति गवाई गई थी, मैं जब गया था ताला खुलने के संकल्प लेके, तो उसमें कहा गया था, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो प्राणों का घट रीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा जीवन चला गया, हम तो बचपन से हमारे बुजुर्ग हम सब जब आपस में मिलते हैं अभिवादन करते हैं तो हम तो राम राम जी कहते हैं हाथ जोड़कर। राम का विरोधी कौन है? समाजवादी पार्टी कहां राम की विरोधी है? आप आज का विषय बहुत गंभीर है और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। इसे हम अगर गंभीर बातों को ठीक ढंग से समझेंगे, अभी तक बड़ी पॉजिटिव बातें कही गई हैं, बड़ी सकारात्मक बातें कही गई हैं, वो भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, स्वामी जी भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं, आप भी मान रहे हैं कि हम सबका DNA एक है, हम सब एक हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पूजा पद्धति एक परिवार में भी अलग अलग होती है, पूजा पद्धति अलग होने से कोई दुश्मन नहीं हो जाता, शत्रु नहीं हो जाता। जब हम ये मान रहे हैं हम सब एक हैं तो फिर लड़ाई का ही बात की है? ये सेकुलरिज्म की क्या क्या, मैं बताता हूं, आपका शो है कि सनातन का सम्मान सेकुलर परेशान जी। पहली पंक्ति तो बहुत बढ़िया है, सनातन का सम्मान, हमें भी खुशी है क्योंकि हम भी तो उसी से जुड़े हुए हैं जी। सबको खुशी होगी, हर आदमी के अंदर गर्व अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, हर व्यक्ति के अंदर गर्व होता है। लेकिन दूसरी पंक्ति बिल्कुल गलत लिखी है, सेकुलर परेशान। कौन सा सेकुलर परेशान है? सेकुलर तो ऋषि सुनक भी है और जो हमारे कथावाचक हैं वो जो है मुरारी बापू को मैंने बहुत सुना है। मुरारी बापू एक बहुत बहुत ही अच्छे कथावाचक, बहुत ही विद्वान और बहुत सुंदर तरीके से कथा कहते हैं। मुरारी बापू के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मुरारी बापू अपनी कथा में हिंदी के कवियों को भी बुला के सम्मानित करते हैं, उर्दू के शायरों को बुला के भी सम्मानित करते हैं, हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं करते, वो कबीर के पद भी सुनाते हैं, वो उर्दू शायरों की शायरी भी बीच बीच में बोलते हैं, वो खुद अपने आप में सेकुलर है। और ये देश सेकुलर है, देश का संविधान सेकुलर है। सेकुलर सनातन की कोई लड़ाई नहीं है, सेकुलर का मतलब है सब धर्मों का सम्मान करो जी, कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। जब धर्म को चरितमानस का आपके नेता सम्मान ही कर रहे हैं, मैं बता दूं सेकुलर होने के नाते उसमें बता दूं फाड़ के जला रहे हैं। धर्म को ध्वंस की तरह यूज किया जाता है। किससे तरह यूज करते हैं बहुत लोग, जैसे कि जय श्री राम बोल के पिटाई करते हैं कि जय श्री राम बोल, कि दर्जनों वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, कटाई करते हैं। जैसे कि ये क्या हुआ,
हमारे अगर हम सनातनी है और हमें अपने धर्म पर गर्व है जी, तो हमें स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद जैसे संतों से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें बिट्टू बजरंगी और मोनू कौन ले रहा है? बिट्टू बजरंगी कौन ले रहा है प्रेरणा? बिट्टू बजरंगी से ये राम का राम और कृष्ण नाराज हो रहा है। यहां का युवा राम और कृष्ण से प्रेरणा लेता है, इन लोगों से नहीं। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू। अब सुनना पड़ेगा, अब पॉइंट नंबर टू मैं आपको बता सुना, आपका जवाब जरूरी है। मेरा जवाब पूरा हो जाए। नहीं नहीं बोलिए अमीश जी, आप इस बात पर क्यों नाराज हो? मैं तो नाराज नहीं हो रहा, आप पक्ष क्यों बनते? मैं तो राम और मैंने तो निकाल बिट्टू बजरंगी मोनू माने सर से आप ले रहे हो शिक्षा? आप लोग ले रहे हैं, ले रहे हैं कुछ आपने लोग। बोला उन्होंने वीडियो डाल डाल के कहा है कि वहां आ रहे हैं हम और यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते। इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि मुरारी बापू की कथा में वो ये भी बोलते हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, आप कितने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत श्लोक भी कोट करते हो? मैं बताता हूं, मगर जो कोट करने लगता है उस दिन सेकुलर कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है भाई। आरिफ मोहम्मद खान साहब कितनी शानदार शानदार बातें कोट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तुरंत वो बाहर हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे, जब अंतिम समय वो बीमार थे, यूपीए की सरकार थी और यूपीए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रहकर पूरा इलाज करेंगे, उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं काशी में ही जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा? चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ना जाइए जहां भी सुना दरबार। उसको भारत रत्न कब मिला? 2001 में। 50 साल तक लोग शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए और सुनिए, महात्मा गांधी ने कहा था ना ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलर परेशान जी, और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ समझ के बोलने की बात होती है। और मैं सनातन सम्मान में एक और बात कहता हूं, हम एकमात्र ऐसे धर्म हैं जिसकी की तारीफ साइंटिस्टों ने की है जो हमारे धर्म को नहीं मानते। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बोला है, बताओ भाई उस धर्म को न मानने वाले किसी साइंटिस्ट ने बोला हो? साइंटिस्ट ने बोला हो धर्म ग्रंथ को, और वो भी जो उस धर्म को न मानता हो। त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे शिक्षित और विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं, तो मैं ये तो नहीं मानता कि इन्हें ज्ञान नहीं होगा। इन्हें जानकारी है लेकिन जान पूछ के छिपा रहे हैं। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे हैं। और जो रसखान थे, रसखान ने क्या लिखा था? मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की स्तुति में उन्होंने छंद लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लड़ाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है, लड़ाई कराई जाती है, कौन फैलाता है आपको नहीं पता? आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। आरएसएस और बीजेपी कि लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ। ये जो यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया? आरएसएस ने शुरू किया। आपने भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम लिया रसखान का, उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो रसखान क्या करे, क्या बनू? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल में ग्वाल वालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो, चरो नितनंद की धेनु बजारन, तो गाय बनू नंद बाबा के। और पाहन हो तो वही गिरी को, पत्थर बनू जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण गोवर्धन पर्वत पे। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं काली निकुल कदम की धारण, यानी पक्षी बनू तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लू, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का जहाँ तक मैं जानता हूँ, सनातन धर्म एक अवधारणा है जो अक्सर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी होती है, जिसे अक्सर हिंदू धर्म कहा जाता है। यह एक दर्शन है जो विश्वासों और प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है, जो सत्य की शाश्वत प्रकृति और धार्मिक जीवन के महत्व पर जोर देता है। सुधांशु त्रिवेदी ने वापटुता के साथ इसके मूल सिद्धांतों को स्पष्ट किया, इसकी समावेशिता, विविधता और गहन आध्यात्मिकता पर जोर दिया। बहस में त्रिवेदी की महारत स्पष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने आधुनिक दुनिया में सनातन धर्म के महत्व और प्रासंगिकता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरी ओर INDI अलायंस, RSS, नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम, समानता आदि जैसे वही शब्द दोहराता रहा। सनातन के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने और उन पर सवाल उठाने की कोशिश की गई। उनके प्रयासों के बावजूद त्रिवेदी की गहन समझ और प्रेरक तर्क विपक्ष को मुश्किल में डालते दिखे। कृपया हमें नीचे कमेंट्स में सनातन धर्म पर अपने विचार बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।